जिमी सर को आप जब भी फोन करते हो फोन उठाते हैं आपका? एक रिंग पे मेरा फोन उठाता है। क्या बात कर रहे हो, क्या हम एक ट्राई कर सकते हैं? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो। ये कुछ खतरनाक हो गया। मतलब ही इज वेरी फ्रेंडली, इज लाइक अ एल्डर ब्रदर टू यू आई वुड से। मैं तो उनके शूज का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि सर आई लव योर स्नीकर्स। तो कभी गिफ्ट किया कुछ? नहीं करा तो सर कर देना। ये बोल दीजिए। सर ने कहा था कि लाइफ में गलत काम, भाई गलत काम ही मेंट नशा, ऑल दोस थिंग्स वो मत करना, वो तुमको बहुत रोक के रखता है, दबा देता है। हाय दिस इज अमीर हैदर, आई मैनेज जिमी शेरगिल एंड आप देख रहे हैं बैकस्टेज एक्सेस विद आरजे जतिन। बैकस्टेज एक्सेस ग्रांटेड, लेट्स गो। इमेजिन करो आपको अगर मैनेजर बना दिया जाए, नहीं किसी कंपनी का नहीं, किसी सेलिब्रिटी का, तो अलग ही टॉर होगी ना यार आपकी, है ना भाई की अलग ही टॉर है। तो आमिर, आई मीन अमीर, लोग काफी आमिर बोलते हैं भाई को, बट नाम है अमीर। अमीर भाई मेरे साथ है, क्या ले भाई? थैंक यू सो मच। तो अमीर भाई का, थैंक यू सो मच, अमीर भाई का इंट्रोडक्शन ये है कि आप जिमी शेरगिल को मैनेज करते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब? मतलब वर्क वाइज तो बहुत अच्छा चल रहा है, ओके, बट पर्सनल लाइफ हमारी वही है कि चल रहा है बस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानेंगे एंड ये है फीवर एफएम एंड द शो नेम इज बैकस्टेज एक्सेस विद जतिन एंड भाई का आज मैंने बैकस्टेज एक्सेस ले लिया। तो भाई आपको एक चीज़ बोलनी होगी। जी। ग्रांटेड। ग्रांटेड। ये जो जर्नी आपकी, ये स्टार्ट कैसे हुई और यहाँ मुंबई तो आप आ गए, लेकिन मुंबई से पहले की एक जर्नी होगी कि किस तरीके किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। एक्चुअली नोएडा। ओके। हम नोएडा वाले भी अपने आपको दिल्ली का ही बताते हैं। नोएडा नोएडा, सही सही। तो हमेशा से देयर वाज दिस इंटरेस्ट कि फिल्म लाइन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब इतना आइडिया नहीं था। एंड बीइंग सो फार अवे फ्रॉम मुंबई, इतना दुनिया देखी नहीं थी यहाँ की। एंड एक दो बार आए थे फैमिली के साथ घूमने फिरने बचपन में, बट कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि यहाँ पे काम होता कैसे। लेकिन बचपन से शौक था, पिक्चर देखते थे, शाहरुख रणबीर बड़े बड़े लोग, शाहरुख तो इज लाइक एन आइडल फॉर मी, शाहरुख खान, एंड तो ये सब चीजें में देखने का घुसने का शौक था। एंड अगेन सो पैसा कमाने की भूख थी। ये दो चीजें थी जो मुझे करना था कि कुछ भी करना है, पैसा कमाना है एंड इस इंडस्ट्री में भी जाना है। बिकॉज आई हैव इनिशियली व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैव वर्कड एज अ पार्ट टाइमर इन डीकैथलॉन एंड अदर प्लेसेस एज वेल, कॉल सेंटर्स में भी जॉब किया है। देन आई व्हेन आई मूव्ड, इट वाज अ रियली बिग टास्क फॉर मी टू मूव टू मुंबई। माय पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट कि करोगे क्या वहां जाके, तुमको पता भी नहीं है तुम करने क्या वाले हो। और उस टाइम नहीं पता था क्या करने वाले, नहीं पता था। मतलब मेरा कोई यहाँ पे उस टाइम प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे जाके इससे मिलने वाला हूँ, यहाँ इंटरव्यू है, यहाँ जॉब, कुछ नहीं। बस सीधा मुंबई आ गया। मेरा एल्डर ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया, ही टोल्ड मी कि चलो गो, टेक योर टाइम, 6 months 1 year, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नहीं होता है तो फिर वापस आ जाना। एंड आई वाज लाइक फेयर इनफ। आ गए मुंबई, मुंबई आए तो समझ में आया कि जितना हम दूर से देख रहे थे कि भाई इतना अच्छा दुनिया है, सेलिब्रिटीज, उतना है नहीं। और ये सच्चाई बोली है भाई ने। उतना अच्छा है नहीं, अलग ही यहाँ पे मतलब रेस चल रही है। मतलब आई मेट दिस पर्सन, तो उसने मुझसे पूछा आपको डायरेक्टर बनना है? मैंने कहा पता नहीं शायद। तो कहते कि मुंबई में हर 1 किलोमीटर के रेडियस में 500 डायरेक्टर रहते हैं, जो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स। एक्टर बनना है तो हर 1 किलोमीटर में 1000 एक्टर्स रहते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स। तुम हो क्या, तुम क्या कर रहे हो? तो आई वॉज लाइक क्लूलेस, बट किस्मत ने साथ दिया। थोड़ा मेहनत करी, थोड़ा लोगों से मिले, बात करी, एंड आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओह नाइस। आई इंटर्न्ड फ्यू प्लेसेस, आई हैड वर्कड ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स, ओके, टू नेम फ्यू। आई वर्कड ऑन फ्रेडी, ओह गैसलाइट, देन दिस इज एक्सेल का प्रोजेक्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन, ओके, इट्स स्टिल नॉट ऑन फ्लोर्स, ओके ओके, बट वर्कड विद फ्यू गुड पीपल, गुड डायरेक्टर्स, गुड क्रू। बैक ऑफ द कैमरा जो होता है, उसमें कैसे एक फिल्म बनती है, वो प्रोसेस समझा जाना, और वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जो था ना, वो पहली बार सेट पे आके ही मुझे समझ में आ गया था कि बस अब यही करना है, यही करना है। मतलब जो भी है इसी चीज़ के आसपास रहना है और इसके अलग नहीं जाना। ओके। करते करते पता नहीं क्या थोड़ा सा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में सर्वाइवल इज अ टास्क। ओके। आपको यहाँ पे रहना है तो पैसे भी कमाने, वो मैं समझ सकता हूँ। एंड मुंबई की लाइफ थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़े से हमने शौक भी ज्यादा बड़े पाले हुए हैं, तो पीना भी ना, लाइक चाय कॉफी एंड सम जूसेस, थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं कभी कभी। तो उसके बाद यही हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जो लगातार हम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सब फ्रीलांसिंग होती है, फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस इज ओनली फ्रीलांसिंग। प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, देन यू आर अगेन सिटिंग आइडल एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो एक टाइम ऐसा आया कि आई वाज सिटिंग आइडल एंड आई हैड नथिंग टू डू। तब आप डायरेक्शन कर रहे थे? तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। ओके ओके। और जब वो टाइम आया, जब मुझे लगा कि अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है हाथ में, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, एंड जो सेव्ड मनी होता है वो भी खत्म होता जा रहा है,
एंड अब क्या करें. तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में. एट दिस एज हॉप स्किप एंड जंप नहीं कर सकते. ये भी है, पैशन है, बट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने के बाद शायद अगर फिर से कोशिश कर लेंगे. फिर पता नहीं कैसे मुझे, मतलब किस्मत ही कहेंगे कि आई न्यू समवन एंड आई गॉट इनटू टैलेंट मैनेजमेंट एंड सो फार सो गुड. आई एम लाइक लविंग इट. लाइफ में कंसिस्टेंसी है, गेटिंग टू मीट न्यू पीपल एवरी डे, लोगों से मिल रहा हूँ, सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहा हूँ, उनको मैनेज कर रहा हूँ. तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था. मतलब कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ जाना है, ये लाइन पकड़नी है ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा. और करते करते अब मैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर बन चुका हूँ, मिस्टर जिमी शेरगिल का. क्या बात है, वाह, सो फार सो गुड. प्राउड फील, वेरी प्राउड. मतलब लवली पर्सन टू वर्क विद. मैं काफी एक्टर्स के साथ काम किया है बट इतने चिल और एक्सपीरियंस्ड एक्टर मैंने शायद नहीं देखे. मतलब थोड़ा और मैं ही जानना चाहूंगा कि एक मैनेजर जो होता है, जब बैक स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ तो बैक स्टेज यानी कि बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चीजें चल रही होंगी. बिल्कुल. ऑन अ डेली बेसिस क्या होता है कि आप मैनेज कर रहे हो एक आर्टिस्ट को. आर्टिस्ट आई थिंक हर दिन शायद काम ना कर रहा हो या कभी कुछ. Absolutely. एक मैनेजर को डेली काम करना पड़ता है उसके 100%. जितने प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी डील्स हैं, आई थिंक हमारा करेक्ट करेक्ट. तो वो कितना डिफिकल्ट और कितना ईजी होता है? क्या वो ईजी होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो मेरे लिए ईजी है, इट्स ओके, या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कई बार? ईजी तो देखिए कुछ नहीं है. आई वुड से कि जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए ईजी है. तो मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे सब कुछ स्मूथ लगता है. Okay. कई बार कुछ होटल्स आते भी हैं तो लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, फंस गए या फिर कुछ चैलेंज आ गया. बट हाँ, यू आर राइट कि आर्टिस्ट मे बी महीने में 20 दिन काम कर रहे होते हैं. 20 days दे आर वर्किंग देयर ऑन सेट्स, इवेंट्स, ब्रांड शूट्स, डिजिटल डील्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट 10 days वो नहीं कर रहे होते. बट हम एज मैनेजर्स हम 30 days काम कर रहे हैं क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए. कहीं ट्रैवल है तो पूरा उनका TBL प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं. अगर कोई हमारी कुछ एंडोर्समेंट डील है, कोई ब्रांड है, कोई इवेंट है, उसके बारे में, उसके सब कुछ, मतलब एवरीथिंग अराउंड दैट वी नीड टू प्लान. देन कोई फिल्म शूट है, कोई वेब शो शूट है, तो उसका पूरा प्लानिंग फ्रॉम एंड टू एंड, लाइक स्क्रिप्ट से लेके अग्रीमेंट तक. मतलब मैं तो आई बी वेरी लाइक आई एम वेरी प्राउड टू से राइट नाउ कि जब मैं पहली बार मैनेजर के तौर पे मैं मतलब आया था और सब कुछ मेरे लिए स्मूथ था, बट एक अग्रीमेंट जैसा पार्ट जो था, क्योंकि पढ़ाई तो उतनी अच्छी करी नहीं थी. अच्छा. जो मुझे समझने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि इतने भारी भारी वर्ड्स लिख देते हैं. ओके. और फिर लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका आर्टिस्ट है, यू शुड नो द अग्रीमेंट. राइट राइट. कुछ भी ऐसा एक टर्म और एक वर्ड जो है वो बहुत भारी पड़ सकता है. सो नाउ आई एम वेल वर्स्ड विद इट, बट इनिशियली वो थोड़ा टास्क था मेरे लिए. फिर वो सब, फिर एंड, मतलब पिक्चर के शूट के टाइम पे क्या कॉल टाइम है, क्या शूट लोकेशन है, कहाँ जाना है, कितने घंटे का शूट है, वहाँ से कब ख़त्म. क्योंकि आर्टिस्ट का एक ही काम है, एक्टिंग करना. अगर वो एक्टर मतलब एज एन एक्ट कर रहे हैं, इवेंट पे हैं तो इवेंट पे प्रेजेंस दिखाना अपनी. बट उसके पीछे जो इतना सारा चीज़ें हो रही हैं वहाँ आर्टिस्ट को यू कैन नॉट बॉदर बिकॉज हिज प्राइम फोकस इज नॉट दैट. वो सब चीज़ें फिर हमें हैंडल करनी पड़ती हैं एंड वो इट्स अ नेवर एंडिंग वर्क. वो रात के 2 बजे तक भी चलेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. मतलब आर्टिस्ट के पहुँचने से पहले पहुँचना है, आर्टिस्ट के जाने के बाद निकलना है. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि हम काम तो है नहीं, मतलब खत्म होता नहीं. और ये आई थिंक हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ स्क्रीन पे एक सेलिब्रिटी दिखता है कि उसने परफॉर्म किया, उसने एक्ट किया या वो किसी इवेंट पे है, लेकिन सीन ऐसा है ब्रो, ऐसा होता है जैसे इन्होंने बताया. जिमी शेरगिल के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? मतलब आप कितने टाइम से काम कर रहे हो तो क्या वाइब, क्या किस तरीके से बात करते हैं? हाँ भाई बोल, क्या क्या फील किया? नहीं नहीं, जिमी सर, आई वुड से इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम तो मुझे बहुत डराया गया था कि सीनियर एक्टर है और इंडस्ट्री में 25 ईयर्स से ऊपर हो गया उनको एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, तो थोड़ा सा उनके साथ एक डिसिप्लिन और वैसे रहना चाहिए. तो मैं शुरू में बहुत डरा हुआ था और मैं थोड़ा मतलब अपना काम रखता था, काम से काम दूर, अपना आराम से. यस सर, ओके सर. बट ग्रेजुअली विद टाइम उन्होंने मुझे इतना कम्फर्टेबल कर दिया अपने साथ एंड उनके साथ मुझे खुद इतना कम्फर्टेबल लगता है कि वो मुझे मतलब खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये कॉफ़ी पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई है कॉफ़ी, पिलाते हैं. तो अपने उनके घर जाएंगे तो वो घर पे भी मतलब ये मतलब पीछे पड़ जाते हैं, ये भी खा लो, ये भी कर लो. मतलब ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर टू यू, आई वुड से. एंड मैं तो उनके शूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि सर आई लव योर स्नीकर्स. तो वी हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन ओवर थिंग्स लाइक दैट. तो कभी गिफ्ट किया कुछ?
नहीं कह रहा तो सर कर देना, ये बोल दीजिए ताकि अगर सर देख ले तो बस सर प्लीज एक स्नीकर इनके लिए और मेरे लिए भी अगर हो जाए तो। बट इज अ नाइस गाय, मतलब आई वुड से आई हैव वर्कड विद अदर फ्यू आर्टिस्ट्स आल्सो, बट बीइंग विद जिमी सर I'm like blessed कि वो इतने comfortable है to work with, कि कोई उनका कोई मतलब tantrum तो मैं सोच ही नहीं सकता उनका होता है, बहुत basic life है, बहुत कोई issues नहीं है किसी चीज़ में, simple mandate है about work, personally भी वो कोई issue नहीं रहता है, तो he's a very comfortable guy to work with. ओके, पर आई थिंक सारे ऐसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना कि आपको कंफर्टेबल करें. अच्छा, इससे मुझे याद आया कि ये जो जेंजी है, जेंजी या मैं कहूँ कि जो न्यू कमर्स है बेसिकली, आप तो इंडस्ट्री में रहते हो तो देखा ही होगा काफी, उनके तो टेंट्रम्स होते होंगे कुछ या नहीं, मतलब नहीं भी होते होंगे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स और एनीथिंग, बट या आई हैव कम अक्रॉस सम आर्टिस्ट्स जिन्होंने, आई वुडंट से जेंजी, बट जिन्होंने काम करना रिसेंटली स्टार्ट किया है, लास्ट 5-8 साल से काम कर रहे हैं, एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से दैट दे शुड लर्न फ्रॉम दी ओल्ड वेटरन आर्टिस्ट कि वो लोग कितना रिस्पेक्टेबल हैं टूवर्ड्स योर टीम. तो मोस्टली आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट की एक बहुत खूबी होती है. क्या है वो खूबी? आर्टिस्ट कभी भी किसी थर्ड पर्सन पे वेंट आउट नहीं करेंगे. ओके, आर्टिस्ट को कुछ गुस्सा होगा या कुछ गलती हो गई होगी या कुछ सेट पे कुछ गलत चल रहा होगा तो आर्टिस्ट, और वो करना भी नहीं चाहिए, आर्टिस्ट इज अ ब्रांड तो वो नहीं कर सकते, तो आर्टिस्ट का गुस्सा मैनेजमेंट पे निकलना चाहिए, जो कि टचवुड मेरा जिमी सर पे ने कभी आज तक मुझ पे गुस्सा तो दूरी बात है, ऊंची आवाज में बात नहीं किया. सच्ची बात है क्या? नहीं, ये बहुत सच्ची बात है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि जिमी सर इज अ नाइस पर्सन, कि उन्होंने मतलब मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी होंगी तो वो बोलेंगे अरे यार कोई बात नहीं ध्यान देना अगली बार, तो वो हो जाता है. बट कुछ लोग जो है ना अपने मैनेजमेंट के साथ इतना गलत तरीके से पेश आते हैं. आई वुड से व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो देयर लाइक आई वर्कड ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स, तो देयर वाज दिस आर्टिस्ट, गाली गलौज से जब बात करते हैं ना. अच्छा, ऐसा हो जाता है क्या? कभी कभी हो जाता है कि मतलब फ्यू आर्टिस्ट आर, भले ही वो बहुत ही कैजुअल वे में चल रहा हो बट आपको नहीं पता कौन ऑफेंड हो जाए. तो ऐसी कोई चीज जो जिमी सर ने आपको कभी स्पेशली बोली हो या उनसे उनके साथ बैठ के भी आपको लगा कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू? स्पेसिफिकली मुझे नहीं बोली, बट हम लोग सारे सर की जो टीम है, सर के हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हम लोग सब सर के साथ बहुत चिल करते हैं, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है. वैनिटी में बैठे होते हैं जब कोई शॉर्ट कट चल रहा है, रेडी हो रहा है, हम लोग बैठे हुए, तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी. सर ने कहा था कि लाइफ में गलत काम, भाई गलत काम ही मेंट नशा, ऑल दोज थिंग्स वो मत करना, वो तुमको बहुत रोक के रखता है, दबा देता है. जिमी सर ने मुझे बोला कि मत करो ये, मतलब ये सब चीज़ें कभी ऑपरचुनिटी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें आसान है, आसान हमारी इंडस्ट्री के किसी के लिए भी आसान है. और सर का पर्सनल एडवाइस था कि यंग हो, स्पेसिफिकली मेरे लिए भी नहीं था, इट इज़ फॉर एवरी वन, ऐसी बातों में निकला था. तो कुछ टॉपिक भी डिस्कशन हो रहा था, ही सेड कि ये चीज़ ऐसी है कि इससे दूर रहो तो बेहतर है. ओके, क्योंकि ये लाइफ को रोक देता है, ख़राब कर देता है, एंड वो बाद में आपकी हर चीज़ पे देखता है, हेल्थ पे से लेके, इमोशनल हेल्थ से लेके, वर्क वाइज, करियर वाइज, फैमिली, हर जगह वो इफेक्ट करता है. तो मुझे वो बहुत मतलब सही लगा कि एक एक्सपीरियंस के साथ, एक इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर इतने चीज़ को इसको बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और सही बात है, मतलब आई बिलीव दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट डू. बहुत ही मतलब वैसे दुनिया के सामने बहुत ऑब्वियसली इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन लगा मुझे उनसे, है ना, काफ़ी प्राइवेट पर्सन है वो, अपना पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल चीज़ें, फैमिली और सब कुछ, बहुत फैमिली मैन है, थोड़ा सा अलग रखते हैं चीज़ों से, बट ही हैज़ अ वेरी फन साइड ऑल्सो, लाइक देर आर सर्टेन टाइम्स कि वो वैनिटी के बाहर आके बैठ जाएंगे और हमसे हमारे बारे में बात करेंगे, अपने पुराने फिल्म एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे. द अदर डे ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज फिल्म एक्सपीरियंस ऑफ वेंसडे, दैट हाउ इट वाज, दैट इनिशियली इट स्टार्टेड कि भाई उन्होंने बोला कि सबसे कम डायलॉग्स वाला रोल जो है बता दो मुझे, बट नसीर साहब जो मेन थे उनका 4 दिन का रोल था, एंड सर हैड अ 20-डे रोल, पूरे पिक्चर में भाग रहे ही वाज लाइक मुझसे बहुत भगवाया है. तो वो सब एक्सपीरियंसेस, फिर वो फन हंसी मजाक, फिर कभी कभी वो वैनिटी में गाना वाना लगा देंगे, मूड में आ जाएंगे, पंजाबी गाने बज जाते हैं वैनिटी में उनके, बुलाते हैं सबको कॉफी, उनकी एक स्पेशल मतलब कॉफी के बहुत शौकीन है, तो अच्छी कॉफी बना के पिलाएंगे, मुझे पिलाते हैं, ये लोग कॉफी पियो अच्छी वाली शानदार कॉफी है. मुझे लग रहा है आपने बहुत अच्छी अच्छी कॉफी पी ली है इसलिए इसके लिए आपने बोल दिया. हो सकता है जिमी सर की कॉफी के आगे तो ऑब्वियसली मतलब
आई वुड से कि है, लेकिन बहुत फन साइड है उनका कभी कभी. और उतना ही फन साइड जब मुझे देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब माय आर्टिस्ट इज कंफर्टेबल विद मी. कभी ऐसा हुआ है, सच्ची बताना ये बात, कि आपने जिमी सर को कभी मस्का लगाया किसी चीज से बचने के लिए? हाँ, हुआ है. तो प्लीज बताओ यहाँ पे ताकि उनको भी पता चले. मतलब होता है जैसे कोई डील है और वो कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं फॉर द डील हमारे लिए, बट मैं चाहता हूँ कि वो डील लॉक हो जाए, तो सर को बोलना पड़ता है, सर बहुत अच्छा ब्रांड है, सर सर मिलेगा ही नहीं, सर ये कर लेते हैं सर. या फिर कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई फिल्म शूट है, हमारा एक फिल्म शूट था जिसपे मैं, सर क्या लोकेशन में शूट है सर, कर लेते हैं, मतलब कुछ नहीं तो लोकेशन ही अच्छी है, बाकी सब तो चलो देखा जाएगा, शूट लोकेशन जाए मसूरी है सर, पहाड़ों में एक महीना रह कर आएंगे बस. ये छोटा मोटा तो चलता रहता है, मतलब अब सर अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँगा सर मान जाएंगे. सर भी कहते हैं हाँ हाँ, अपना देख रहे, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं यहाँ पे, सबको अपना देखना है. लंदन शूट है तो सर लंदन शूट है सर, एक महीना लंदन शूट करके आता है, तुम लोग अपना अपना सब लोग देख रहे हो यहाँ पे. उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट भी काफी पुराने, काफी साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग मिलके सर लंदन सर एक महीना चलते हैं, मतलब स्क्रिप्ट नहीं देखना है आप लोग को, आप लोग अपना अपना देख रहे हैं सब लोग. तो सर का होता है, वो कोशिश चलती रहती है, कभी क्रैक हो गया तो अलग बात है. काफी लोग होंगे जो यहाँ पहुंचना चाहते होंगे यार कि मैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर कैसे बन सकता हूँ, तो कैसे बन सकते हैं? कुछ नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है यहाँ तक जाने के लिए. देर आर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज इन द कंट्री. बेसिक दो तीन चीज़ें आपको चाहिए, वो है मैनेजमेंट स्किल्स, जो बेसिक, मतलब अगर आपका कोऑर्डिनेशन, आपका तरीका काम करने का बहुत सॉर्टेड है, बेसिक एक्सेल वगैरह बनाना आता है, आपको उस पता है कि किसी की लाइफ को मैनेज करना कैसे होता है, बेसिक चीज़ें वो है. आप हार्डवर्क से नहीं भाग सकते, ये वो जगह नहीं है कि आप बोलोगे 9 to 5 जॉब टाइप चाहिए मुझे, तो वो नहीं है. इसमें आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है, दिवाली ईद भी काम करना पड़ सकता है, इसमें आपको न्यू ईयर भी स्किप करना पड़ सकता है, क्रिसमस भी स्किप करना पड़ सकता है. और आप कंप्लेन नहीं कर सकते. अगर आर्टिस्ट काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं. सिंपल, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क कि भाई मेरी ईद है, बट आर्टिस्ट काम कर रहा है तो आपको जाना पड़ेगा. तो अगर आप इतना डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स दिस प्रोफाइल, एंड लास्ट इज ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स. आई थिंक अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली यू द फेस ऑफ द आर्टिस्ट. अगर आप आर्टिस्ट के तरफ से लोगों को से बात कर सकते हैं, तो ये 3-4 चीज़ें एक पैकेज बना के आप जाइए और आप एजेंसीज में इवन आफ्टर यू ग्रेजुएटेड जाके अप्लाई करिए. मे बी दे स्टार्ट विथ कीपिंग यू एज एन इंटर्न, ग्रेजुअली ग्रो करिए. एंड क्या सैलरी अच्छी खासी होती है ना, अगर इतना स्ट्रेस है तो. मैं पूछ नहीं रहा कितनी होती है, सर ये बुजुर्ग अच्छी खासी होती है, चल जाता है बस. अच्छा खाना पीना मिल जाता है. हाँ, मतलब अच्छा खाना पीना मिल जाता है, आई वुड से थोड़ा सा अपने शौक पूरे कर लेते हैं. बहुत सही. बट अगर मैं बोलूँ कि राइट नाउ, ठीक है जिम्मी सर अपनी जगह है, बट कोई और ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप मैनेज करना चाहते हो, कभी सोचा तो होगा यार इसको मैं मैनेज करना, मतलब आई स्टार्टेड विद सेइंग दैट मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब मैं बचपन से उनको, मतलब क्रेज है. मेरा एक फ्रेंड है, वो भी शाहरुख खान का बड़ा फैन है, हम लोग हर एक फोटो रील वील उनके बारे में कहीं भी आती है एक दूसरे को शेयर करते हैं. भाई ये बोला सर ने इंटरव्यू में ये वो. तो शाहरुख खान कैन बी वन पर्सन हु मैं पागलों की तरह, मतलब सब कुछ छोड़ के उनके साथ रह सकता हूँ. एंड अदर इज आई डोंट नो, आई जस्ट लव रणबीर कपूर. आई लव हिज पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर. एंड आई थिंक जैसा मैं हूँ, जो मेरा बेसिक ड्रेसिंग सेंस भी, मैं अगर इंस्पायर किसी से होता तो इन दो लोगों से ही होता हूँ. कि मुझे कपड़े भी ऐसे पहनने हैं. तो ये दो लोगों के साथ तो आई वुडंट माइंड मैनेजिंग देम. अच्छा जिमी सर को आप जब भी फोन करते हो, फोन उठाते हैं आपका? भाई लवली अबाउट हिम कि वो हर एक रिंग पे मेरा फोन उठाता. क्या बात कर रहे हो, एक रिंग पे. क्या हम एक ट्राई कर सकते हैं? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो. अब आपको क्या पूछना है वो आप देख लो, लेकिन अगर ट्राई कर सकते हैं तो. जी बहुत रिस्क है. आप मुझे क्या पूछोगे क्या? लेकिन सर को मैंने एक स्क्रिप्ट भेजी है, पूछूंगा सर आपको वो स्क्रिप्ट मिली. बाप रे बाप. ये कुछ खतरनाक हो गया. हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? ऑल गुड.
बट दिस इज अमेजिंग यार, फर्स्ट कॉल में एक्चुअली फर्स्ट रिंग में ही उन्होंने उठाई, रिंग में उठाते हो क्या बात. और मेरा मतलब स्पेसिफिकली मेरा फोन तो वो एकदम ही उठाते हैं. मतलब क्या बात है, मतलब मुझे कुछ काम हो जिमी सर से अगर कुछ भी हो तो मैं आपको फोन. बिल्कुल बिल्कुल, आप मैनेजर हैं, हम यही मैनेज कर रहे हैं कि सबका काम करवाएं सर के साथ. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई. मैंने तो इमेजिन नहीं किया था मैं इंटरव्यू भी दूंगा इस स्टेज ऑफ लाइफ पे, बट आपके पर्सपेक्टिव से मैं शायद यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ. भाई इंटरव्यू कुछ नहीं, बातचीत है. मतलब स्टिल आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि पीपल नो अबाउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड कमेंडेबल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर भाई. बट अगेन थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू.